नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको पता है, रात के सेशन में भी मैंने बताया था, लेकिन ये न्यूज एकदम लेटेस्ट है। सेकंड लिस्ट की बात हो रही है। आपको बता दूं, सेकंड लिस्ट कौन सी की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, बात करता हूं एसएससी जीडी की, लिस्ट सेकंड की बात हो रही है। क्या दूसरी लिस्ट आएगी? लिस्ट सेकंड में केवल एक लिस्ट नहीं आएगी, कई लिस्ट आने वाली हैं। एक लिस्ट तो वो आएगी दोस्तों जिनके अभी भी फिजिकल बाकी है, जिनके फिजिकल अभी कंडक्ट होने हैं। ध्यान रखना, कुछ बच्चों का कोर्ट की तरफ से जो केस था उसमें फिर से उनके फिजिकल करवाने की बात की गई है कि फिर से उनके फिजिकल होंगे। जिनको डाउट था कि हमारा मेजरमेंट गलत हुआ या हमारी फिजिकल ठीक हुई है, हमको फेल कर दिया गया, ठीक है, तो उनका फिर से फिजिकल होगा। ये प्रोसेस उनके अलोंग विद चलेगी, ऑल टुगेदर ये प्रोसेस चलेगी। ऐसा नहीं है किसी प्रोसेस को रोक के दूसरी प्रोसेस करी जाएगी, नहीं, अभी ये प्रोसेस एज इट इज रहेगी, ऑल टुगेदर चलेगी। दूसरी आप समझेंगे, सर दूसरी किसकी लिस्ट है? दूसरी वो लिस्ट है जो विदहेल्ड वाली लिस्ट है। यानी विदहेल्ड वाली लिस्ट भी ध्यान रखना, ये जो बच्चे हैं ना, इनके दोस्तों मेडिकल की डेट और इनका रिजल्ट, इनका साथ आएगा, ध्यान रखिएगा। फाइनल रिजल्ट हो सकता है सबका साथ में आए, लेकिन मेडिकल की डेट विदहेल्ड की और जिनके फिजिकल लेट हो रहे हैं उनकी साथ में होगी। जिनके मेडिकल होने हैं 17 जुलाई से, उनका क्या होगा सर? तो उनका भी भाई बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं उनको। मेडिकल उनका 17 जुलाई से ही चलना है। अभी इसके बारे में कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी रुकना है, कुछ रुकना है नहीं। जिनका एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है हर चीज, उनका मेडिकल 17 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। आपके एडमिट कार्ड 10 से 11 तारीख में आने लग जाएंगे। बात करता हूं प्रोटेस्ट की। आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी दोस्तों एक आंदोलन टाइप का हो रहा है। आपने वीडियो भी देखे होंगे, हर जगह देख लिए होंगे। मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल साइड से, त्रिपुरा साइड से, कर्नाटका साइड से कुछ बच्चों ने मीडिया के सामने जाकर ये दोस्तों आवाज उठा दी है। जैसा मैं आपको बता रहा था, उन्होंने अपने वकील को साथ में लेके आवाज उठाई है। यानी उन्होंने पहले कोर्ट में केस कूस कर दिए हैं, उसके बाद वकील दोस्तों उनके साथ खड़ा होकर क्या प्रोटेस्ट में यहां पर हिस्सा ले रहा है। इस प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? उसी चीज के खिलाफ, माइग्रेशन के खिलाफ, उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ जो अदर स्टेट के अदर स्टेट में आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। इस भर्ती में ना जाने क्या क्या हो गया दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कट ऑफ इतनी बढ़े, बहुत ज्यादा कट ऑफ फिजिकल की बढ़ गई। कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मेडिकल की कट ऑफ इतनी बढ़ जाए, मेडिकल की कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी सारे जो अनुमान थे, प्रेडिक्शन थे, वो हर चीज फेल हो गई, ऐसी ये भर्ती है। अब दोस्तों मेडिकल की बात आ रही है तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और आधे बच्चों का अभी फिजिकल चल रहा है। मतलब प्रोसेस पूरी लगभग एम्बिगुअस चल रही है। तो आप अपने काम में लगे रहना, आपको नहीं रुकना है क्योंकि प्रोसेस तो चलेगी। ध्यान रखना दोस्तों, दुरंगी चाल दुनिया की कठिनता से गुजारा है, अगर बोलो तो बकवादी, ना बोलो तो गुमानी है। यानी कुछ तो लोग आपसे कहेंगे, अगर आप बोलोगे नहीं तो कहेंगे इसको घमंड है किसी चीज का, और आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे इसकी आदत है बकबक करने की, ठीक है। तो दुनिया पे मत जाना, अपनी प्रोसेस का ध्यान रखिए और ये प्रोसेस के थ्रू आप चलते रहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है विदहेल्ड वाले बच्चों की, तो मैंने कल भी बताया है, आज फिर बता देता हूं कि इस विदहेल्ड की लिस्ट में 2-3 तरह के लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, वे लोग जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए उस टाइम पर, मैच नहीं करे अपने नाम नंबर से। और दोस्तों तीसरे लोग वे हैं जिन्होंने दोस्तों कुछ, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ है या नकल वगैरह का कुछ ऐसा केस है। उन तीनों कैटेगरी के लोगों को विदहेल्ड में रखा गया है, लेकिन इनकी नौकरी नहीं गई है, इनकी रीस्क्रूटनी होगी और दोबारा से इनको दोबारा एक लिस्ट इनकी आएगी, एक लिस्ट दोस्तों उनकी जिनके फिजिकल हो रहे हैं। और अगर ये प्रोसेस, अगर ये वाली प्रोसेस आगे बढ़ी और इसमें बच्चे पकड़े गए, बच्चे बाहर निकले, तो ध्यान रखिएगा सेकंड लिस्ट आ जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा नहीं, ठीक है। मैं समझता हूं आप सभी ने जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो समझ लिया होगा। दोस्तों आगे किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, फ्यूचर में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑन द टाइम एकदम तुरंत की तुरंत आपको यहां मिल जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और मेडिकल की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया एवरीबॉडी।